हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राजरानी कुकिंग वर्ल्ड और आज हम लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की रेसिपी जो झटपट से बन जाती हैं। इन्हें आप होली दिवाली कभी भी बना सकते हैं और आपका त्यौहार इन्हीं रेसिपी से कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही झटपट ही बन जाती हैं। और एक फ़ायदा इनका ये होता है कि इन्हें बनाते टाइम ना तो आपको दिक्कत जाएगी और ना ही कोई रेसिपी फेल होगी। तो इन्हें आप एक बार ट्राई ज़रूर करें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार होती हैं यदि आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बनाई है मावा कचौरी। मावा कचौरी बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चों की फेवरेट होती है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल मैदा लिया था और आधा बाउल बेसन लिया है। दोनों को हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें आधा बाउल सूजी ऐड करेंगे। तो जितना हमने मैदा लिया था उससे सारा कम ले लेंगे। आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा सा वन पिंच हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 चम्मच घी ऐड किया है। घी से इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। यदि हम कुछ मीठा बनाते हैं तो इसमें घी का ही मोइन देते हैं। आप चाहें तो ऑयल का भी मोइन दे सकते हैं, लेकिन जब हम घी का मोइन देंगे तो टेस्ट भी बढ़ेगा और बहुत ही ये क्रिस्पी बनेंगे। और इसमें हमने 1 कप हल्का गुनगुना पानी लिया था, जिससे क्या होता है कि ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार पानी ले सकते हैं और इसे हम थोड़ा सा सख्ती लगाएंगे। तो इस तरह का आटा हमें लगाकर तैयार कर लेना है और इसे इस तरह से करने से इसमें बहुत ही बढ़िया परतें आती हैं और बहुत ही क्रिस्पी ये बनके तैयार होती है। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। इसके बाद हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हल्का सा सॉफ्ट हो गया है और इसे ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट लिए हैं, जो भी आपके पास हो वो आप ले सकते हैं, और नारियल का पाउडर लिया था। इसके बाद हमने 2-3 इलायची दाना लिए हैं, आधा चम्मच खसखस दाना लिया था और कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ ली हैं। इससे खुशबू भी बढ़िया आएगी और कलर भी बढ़िया आएगा। तो इन्हें हमने एक मिक्सर जार में डालकर पीस लिया था। इसके बाद एक कढ़ाई गर्म की है, इसमें 2 चम्मच हमने घी लिया है। तो इसमें हमने जो सूजी ली थी 2 चम्मच, वो अच्छे से भून लेना है, जिससे कि इसमें अच्छा सा कलर आएगा और बढ़िया सा टेस्ट आएगा। तो 2 मिनट बाद हम इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देंगे। मिल्क से ये सॉफ्ट हो जाएगी और मावे वाला टेक्सचर आएगा। मावा यदि आप चाहें तो लास्ट में ऐड कर दें, लेकिन सूजी ऐड करते हैं तो इसमें जब आप इस तरह से मिल्क ऐड करेंगे तो ये सॉफ्ट होगी और बहुत बढ़िया इसमें टेस्ट आएगा। इसके बाद जो हमने मिक्स लिया था ना ड्राई फ्रूट और नारियल का, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट चला लेंगे। इसके बाद यदि आप चाहें तो मावा भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो जो हमने सूजी वाली फिलिंग तैयार की है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसमें मावा भी ऐड कर रहे हैं, तो 1 बाउल हमने मावा लिया है, वो भी ऐड कर दिया है। और जब ये हल्का ठंडा हो जाए तो इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। तो 1 बाउल हमने यहाँ पर चीनी ली है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चीनी को हमें पीस कर लेना है और गरम हमें ऐड नहीं करना, हल्के गर्म में ही हम इसे ऐड करेंगे। और यहाँ पर फिलिंग तैयार है। इसके बाद जो हमने आटा लिया था वो भी तैयार है। अब हम यहाँ पर कचौरियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें छोटी छोटी सी इस तरह की बॉल्स बना लेना है। और जब हम पहले से ही सारी तैयारी कर लेते हैं तो ये झटपट से बन जाती हैं और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो इस तरह से हमें इन्हें बना लेना है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसे पूरी की तरह शेप दे देंगे और जो मिक्स है वो फिल करेंगे और इसे जिस तरह से हम मोदक बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बना लेना है और लड्डू जैसा बनाकर गोल गोल बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कचौरी बनके तैयार है। और जब ये पूरी तरह से बनके तैयार हो जाती है तो जिस तरह से मार्केट में आती है ना हल्दीराम की, बिल्कुल वैसे ही लगती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। और ख़ास बात ये होती है कि ये कचौरी आप पहले से बना लें और 10 से 15 दिन ये ख़राब नहीं होती है, तो आप इसे बनाकर रख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसी तरह से सारी ही कचौरियाँ बना ली हैं, बहुत ही आसान है, इस तरह से आप बना सकते हैं। और इसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो पहले हमने ऑयल को अच्छा गर्म कर लिया है। इसके बाद हम सारी ही कचौरियाँ इसमें
ऐड कर देंगे। तो इतना गर्म करना है कि ये अच्छे से फ्राई हो जाए और जले भी ना। और इसके बाद हमें क्या करना है, गैस को मीडियम कर लेना है, तेज़ गैस पर हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है। यदि हम मीडियम गैस पर इन्हें फ्राई करेंगे तो ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएंगी और क्रिस्पी फ्राई होंगी और कलर तो इतना बढ़िया आएगा कि देखते ही बनेगा। तो इस तरह से हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी यहाँ पर फ्राई हुई हैं और बहुत ही टेस्टी बनी हैं। वैसे तो कचौरियाँ सभी बना लेते हैं, लेकिन जब हम फ्राई सही तरीके से नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेंगी। तो आपको फ्राई करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है। और कलर आप देख रहे हैं कितना बढ़िया आया है, तो अभी तो और भी बढ़िया कलर आने वाला है। तो इसके लिए हम चाशनी तैयार कर लेंगे। और एक बाउल चीनी ली है, आधा बाउल पानी लिया है। इसके बाद हमने जो बची हुई चाशनी थी वो भी इसमें ऐड कर दी है। यदि आपके पास भी त्योहारों के टाइम चाशनी बच जाती है तो आप इसका इस्तेमाल कोई भी रेसिपी में कर सकते हैं। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और एक तार की चाशनी बना लेंगे। तो इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो एक बार हम चेक कर लेंगे। और इसके बाद जो हमने कचौरियाँ ली थी वो इसमें इस तरह से डिप करना है। यदि आपको शुगर सिरप में ही कोट करना है या फिर आपको अच्छी सी चाशनी की कोटिंग चाहिए है तो इसे बॉयल करके इस तरह से आप इन्हें डिप कर सकते हैं। और यदि आपको बस शुगर सिरप में ही डिप करना है तो 2 से 5 मिनट ही इन्हें आप इसमें डिप कर सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी कचौरियाँ तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी है और झटपट बन जाती हैं। तो इन्हें आप त्योहारों में बना सकते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आती हैं, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनी है। और ख़ास बात यह है कि इन्हें आप 10 से 15 दिन स्टोर करके रख सकते हैं और पहले से ही बना सकते हैं। त्योहारों के टाइम क्या होता है, टाइम नहीं रहता, तो इन्हें आप पहले से बना कर रख लें और त्योहारों के मज़े लें। इसके बाद हम बनाएंगे चाट पापड़ी। इन्हें आप 2-3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, बनाने में आसान है। यहाँ पर हमने गेहूं के आटे से इन्हें बनाकर तैयार किया है, बहुत ही क्रिस्पी है और टेस्टी है। तो इसके लिए हमने एक बाउल गेहूं का आटा लिया है, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन ले लेंगे और यहाँ पर हमने लिया है ऑयल। तो कुकिंग ऑयल आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है, ये इससे बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। 1 चम्मच नमक लेंगे, नमक अपने टेस्ट के अनुसार आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया है, इससे ये बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनेगी। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है और आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। और यदि आप चाट के लिए बना रहे हैं तो कसूरी मेथी स्किप कर सकते हैं। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, मोइन परफेक्ट है। इसके बाद हम 1 कप पानी ले लेंगे, पानी आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं। और इसका हम डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो डो हमें ना एकदम नरम लगाना है ना ही सख्त लगाना है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह का हमें डो लगाकर तैयार करना है। तो इसे हम 5 से 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। इसके बाद हम पपड़ियाँ बनाकर तैयार करेंगे। तो इसका इस्तेमाल आप चाट पापड़ी में भी कर सकते हैं और इन्हें बना कर रख लें तो जब भी हल्की फुल्की भूख लगती है तब भी आप इनका इस्तेमाल खाने में कर सकते हैं। ये ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगती हैं और झटपट से बन जाती हैं। तो इसमें हमने मैदे वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है, आटे से ही आप इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं। इन्हें हमें बहुत ही पतला बेलना है इस तरह से। और इसके बाद हम देखेंगे कि इस तरह का हम बेल कर तैयार करेंगे और एक चाकू की हेल्प से इस तरह से हमें फॉक करना है। इससे क्या होगा कि ये क्रिस्पी रहेंगी और फूलेंगी नहीं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आप इस तरह की छोटी सी बाउल ले लें या फिर ग्लास वगैरह से कट कर सकते हैं। तो जिस भी साइज में आपको पपड़ियाँ बनाना है उस साइज की आप इन्हें कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही टेस्टी हमारी पापड़ी बनके तैयार होंगी। इस तरह से हमें इन्हें कट कर लेना है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें इन्हें बेलकर तैयार करना है। और एक साथ ही आप इन्हें बेलकर कट कर लें। एक तो ये झटपट बन जाती हैं इस तरह से और इन्हें हमें फ्राई करना है। तो इसके लिए ऑयल अच्छे से गर्म कर लें। इसके बाद हम गैस को मीडियम कर लेंगे और फिर थोड़ी देर बाद हाई कर लेंगे। इस तरह से हम फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। यदि हम पूरे टाइम इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे
तो क्या होगा कि इनका कलर भी डार्क हो जाएगा और ये क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगी, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। पहले हमें ऑयल को अच्छा गर्म करना है, फिर गैस को मीडियम करना है और इस तरह से हमें इन्हें फ्राई करते रहना है। यदि फ्राई करते टाइम हम ध्यान रखेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी बनके तैयार होंगी। तो इस तरह से हम बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी ही पापड़ी बनके तैयार हो गई हैं और इस तरह से ये झटपट बन जाती हैं, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करें और इससे आप चाट वगैरह भी बना सकते हैं और ऐसे भी इन्हें सर्व कर सकते हैं और झटपट से ये बन जाती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर से बनाएं। इसके बाद हम बनाएंगे पालक का बहुत ही टेस्टी और झटपट नाश्ता। तो इस तरह की मटरी देखने में तो बहुत ही बढ़िया लगती हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बाउल मैदा लिया है, मैदा को छान कर लेंगे। इसके बाद आधा बाउल हमने यहाँ पर बेसन लिया है, लगभग 6 चम्मच। इसके बाद हम इसमें चावल का आटा ऐड करेंगे। चावल के आटे से ये बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं और टेस्टी बनती हैं। तो जितना हमने बेसन लिया है उतना ही हम चावल का आटा ले लेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमने कुछ मसाले लिए हैं, 1 चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच हींग लिए, लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच लिया है, गरम मसाला आधा चम्मच लिया है, जीरा पाउडर आधा चम्मच लिया है और जीरा हमने यहाँ पर आधा चम्मच लिया है। और इसके बाद हमने ली है यहाँ पर गरम मसाला। तो ये सारे ही मिक्स मसाले हम ऐड कर देंगे और हींग से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है तो इसमें हमने हींग भी ऐड कर दी है। तो सारे ही मसाले मिक्स हमने ले लिए हैं। इसके बाद एक बाउल हमने पालक को कट करके ले लिया था। थोड़ी सी ही पालक लगती है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। पालक नहीं है तो मेथी से भी आप इसे बना सकते हैं। इसका वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वो अलग ही तरह की मटरियाँ थी जो मेथी से बनाई थी, वो भी बहुत टेस्टी लगती हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर ऑयल लिया है, तो मोइन के लिए हमने ऑयल ले लिया है। तो यहाँ पर हमने लगभग 2 चम्मच ऑयल लिया है, तो छोटी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। 2 बड़ी चम्मच हमने ऑयल लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का हमें मिक्स करना है और मोइन परफेक्ट है। तो अब हम इसे ज़रूरत के अनुसार पानी लेंगे और मिक्स कर लेंगे और इस तरह से मिक्स करते हुए आटा लगाकर तैयार करना है। आटा थोड़ा सा हम सख्ती लगाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और नरम कर लेंगे। तो इस तरह से जब हम आटा लगाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया बनेंगी। तो इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है और हम रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो अच्छे से ऑयल लगाने के बाद मिक्स कर लेंगे और फिर रेस्ट के लिए रख देंगे। तो हमारा आटा जो है वो परफेक्ट यहाँ पर हो गया है। इसके बाद हम इससे छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे और बेलकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह के पेड़े बनाएंगे और इन्हें बेलेंगे। ये मटरियाँ मार्केट में मिल जाती हैं पर घर में ही आप बना लेंगे और घर में भी जब आप बनाएंगे तो आपको ये बिल्कुल वैसी ही देखने में लगेंगी जिस तरह से हम मार्केट से लाते हैं। देखने में तो बहुत बढ़िया लगती हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी ये होती हैं। त्योहारों में जब आप बनाएंगे तो सभी आपसे पूछेंगे कि इन्हें कैसे बनाया। तो इस तरह से हम पतली पतली स्ट्रिप में कट कर लेंगे और इन्हें फोल्ड करते हुए बना लेंगे। बहुत ही आसान होता है इन्हें बनाना और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो इस तरह से हमें इन्हें फोल्ड कर लेना है और इस तरह से रोल कर लेंगे। तो देखा आपने कितना आसान है इन्हें बनाना और झटपट से ये बन जाती हैं और बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी बनके तैयार होती हैं। और ख़ास बात ये है कि ये बहुत ही बढ़िया लगती हैं देखने में। तो इसी तरह से हम सारी ही मटरियाँ बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये वाली तो हमने नमकीन बनाई है, सेम रेसिपी से हमने मीठी वाली मटरियाँ बनाकर तैयार की हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं बिल्कुल बालूशाही जैसी खाने में लगती हैं और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगती हैं। तो उसकी रेसिपी भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने सारी ही मटरियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं और इस तरह से जब आप बनाएंगे खाने में तो टेस्टी लगेगी ही, साथ ही साथ आपकी सभी तारीफ करते रह जाएंगे। तो इस तरह से झटपट आप इन्हें बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनती हैं और इनको आप बनाने के बाद स्टोर भी कर सकते हैं। तो 10 से 15 दिन आप इन्हें बनाकर रख लें, ख़राब नहीं होती और बहुत ही बढ़िया ये रहती हैं। तो इन्हें आप त्योहारों के टाइम भी बना सकते हैं और चाय के साथ भी इन्हें बनाकर रख लें और खा सकते हैं। तो इस तरह से ये बन के तैयार हो जाती हैं। तो सारी ही मटरियाँ हम बना लेंगे। इन्हें इस तरह से एक साइज़ में आप कट कर लें
और इसके बाद फोल्ड कर लें। तो इससे क्या होता है कि ये एक ही साइज में बन जाती हैं और पतली पतली हमें स्ट्रिप यहाँ पर कट कर लेना है। तो यहाँ पर हम 4 से 5 स्ट्रिप इस तरह से ले लेंगे और फोल्ड कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करना है और इसके बाद आप देखेंगे कि ये बनके तैयार हुई हैं। तो सारी ही मटरियाँ बन गई हैं, बहुत ही बढ़िया बनी हैं और इस तरह से जब आप बनाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। और त्योहारों में हम सोचते ही हैं कुछ अलग बनाने की, तो इस तरह से आप इन्हें बना सकते हैं। और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए हम इसमें बीच में एक काली मिर्ची लगा देंगे, यदि आप चाहें तो लौंग भी लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये देखने में लगेंगी, लुक भी बहुत बढ़िया आएगा। इस तरह से हम बना लेंगे और ऑयल यहाँ पर गर्म हो गया है, ज़्यादा गर्म हमें नहीं करना है। इन्हें अब हम फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम गैस पर ही हम इन्हें फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज़ गैस पर हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है। और आप देख पा रहे होंगे कि हल्की हल्की सी ये गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, तो अब हम इन्हें पलट लेंगे। और जब ये ऊपर की तरफ आने लगती हैं तो हम इन्हें पलटते हुए सेकेंगे। इससे क्या होगा कि ये क्रिस्पी फ्राई होंगी और बहुत ही बढ़िया बनेंगी। यदि आप तेज़ गैस पर फ्राई कर लेंगे तो ये पहले तो इनमें बढ़िया कलर आ जाएगा, लेकिन ये सॉफ्ट हो जाएंगी फ्राई होने के बाद, ठंडा होने के बाद। तो इन्हें हम मीडियम गैस पर तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से अंदर तक फ्राई ना हो जाए और क्रिस्पी भी बनी रहेंगी। तो जब आप इन्हें फ्राई करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, और एक एक लेयर इसकी निकल कर आती है, बहुत ही बढ़िया ये बनके तैयार होती हैं। तो इन्हें हमने फ्राई कर लिया है, इसके बाद एक प्लेट पर निकाल लेंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि सारी ही इसी तरह से बना ली हैं। या तो आप एक साथ सारी फ्राई कर लें, या फिर आप नेक्स्ट वेज जब फ्राई करेंगे तो गैस को थोड़ा सा मीडियम कर लें, उसके बाद ही फ्राई करें। और बहुत ही बढ़िया ये बनी है, मार्केट में भी बिल्कुल ऐसी ही मिलती हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। इसके बाद हम बनाएंगे मिनी समोसा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है उड़द दाल, तो उड़द दाल से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो एक बाउल उड़द दाल ली थी जिसे हमने 2-3 घंटे के लिए भिगा कर रख लिया था। मिक्सर जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे और 2 चम्मच हम थोड़ी सी साबुत उड़द दाल जो हमने इसमें से ली है वो हम हटा लेंगे और बाद में ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही बढ़िया टेक्चर आता है। तो इस तरह की हमें इसे पीस लेना है, एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। और जो हमने दाल बचा कर रखी थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब हम कुछ मसाले ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जीरा लिया है जिसे हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा और बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। इसके बाद हमने यहाँ पर 1 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है और 2 चम्मच बेसन लिया है। तो इसे हम मीडियम गैस पर इस तरह से चला लेंगे और इसके बाद हमने जो दाल ली थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे और चलाते रहेंगे। बेसन ऐड करने से इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और इसे हम 5 से 7 मिनट इस तरह से भून लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर आएगा, एकदम दानेदारी बनके तैयार होगा और सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और इस तरह से जब आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत ही बढ़िया बनते हैं। हल्दीराम के जो समोसे आते हैं वो भी इसी तरह से बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ मसाले लिए हैं, 1 चम्मच चाट मसाला लिया है, थोड़ी सी काली मिर्ची ली है पीस कर, और 2 चम्मच हमने यहाँ पर धनिया मिर्ची को पीस कर लिया था, और जो सौंफ वाला मिक्स है वो भी ले लेंगे। और यहाँ पर हमने 8 से 10 किशमिश ली है, 1/2 चम्मच नमक ऐड किया है, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच चीनी पाउडर ऐड किया है, इसके बाद 2 चम्मच इमली का पल्प ऐड करेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया एकदम टेस्ट आएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया कलर आया है। इसके बाद 1 पिंच रेड फूड कलर ऐड किया है, तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से जब हम मिक्स बनाते हैं तो ये बहुत टाइम तक चल जाता है, ख़राब नहीं होता, और जो हमारे समोसे हैं उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मिक्स बन के तैयार है, अब हम डो लगा लेंगे। तो इसके लिए हमने 1 बाउल मैदा लिया था और 1/2 चम्मच नमक लिया है, 1/2 चम्मच अजवाइन ले लेंगे,
और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने कुकिंग ऑयल लिया है मोइन के लिए, तो 6 चम्मच हमने यहाँ पर कुकिंग ऑयल लिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये समोसे की खास बात ये होती है कि इन्हें आप बना कर रख लें, 8 से 10 दिन बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते, तो आप त्योहारों में इन्हें पहले बना सकते हैं। तो इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा मोइन यहाँ पर परफेक्ट है। अब हम डो लगा कर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है और इस तरह से आप देखेंगे कि परफेक्ट हमारा डो लग के तैयार हो गया है। और इसे हमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस इसे हम हल्के हाथों से ही मिक्स करेंगे, जिससे कि इसमें परफेक्ट लेयर बन के तैयार होगी। और जब हम समोसे बनाएंगे तो वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और उनमें अच्छी सी लेयर भी बन के तैयार होती है। तो इस तरह से आप डो लगा कर तैयार करें। आप कोई से भी समोसे बनाएं, जब आप इस तरह से डो लगाएंगे तो वो परफेक्ट बनेंगे। और छोटे छोटे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे और इनसे ही हम समोसे बना लेंगे, ढेर सारे बनके तैयार हो जाते हैं। तो त्योहारों में आप इन्हें बना सकते हैं और पहले से बना कर रख लें तो क्या होता है कि ये ख़राब भी नहीं होते। तो इस तरह से हम बेल कर तैयार कर लेंगे और थोड़ा सा हम इन्हें इस तरह का साइज बेलेंगे, पहले राउंड शेप में बेल लेंगे, थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और फिर बीच में से कट कर लेंगे। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और फिर इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो पहले हम, आप देख सकते हैं, हाथ पर इस तरह से रख के और उंगलियों की हेल्प से पलट लेंगे। तो इसमें हमने 1 चम्मच जो मिक्स लिया था वो फिल कर लेंगे और 2 तरह से हम इन्हें फोल्ड करेंगे। तो एक तो आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं और दूसरा तरीका हम आपको वीडियो में दिखा देंगे। तो इस तरह से ये बन जाते हैं, मार्केट से आते हैं, आपने देखा होगा बिल्कुल ऐसे ही समोसे बनके तैयार होते हैं। तो अब हम दूसरा भी तरीका आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। पानी से क्या होता है, फ्राई करते टाइम ये कढ़ाई में फैलते नहीं हैं। तो थोड़ा सा हम उंगलियों से इस तरह से दोनों को फिल कर लेंगे, चिपका लेंगे इस तरह से। और इसके बाद आप देखेंगे कि एक और हमें यहाँ पर प्लेट जो है वो लगा देनी है इस तरह से। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो दोनों ही तरह से आप बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ये बनके तैयार हो जाती है। तो इस तरह से ये झटपट बन जाते हैं। तो बहुत सारे समोसे यहाँ पर बनके तैयार हैं। इसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो ऑयल अच्छा गर्म हो गया है, अब गैस को मीडियम कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं, बस इससे ज़्यादा हमें ऑयल को गर्म नहीं करना है। तो अब ये हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो अब हम इन्हें उलट पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होता है कि ये क्रिस्पी फ्राई होते हैं, यदि हम तेज गैस पर फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगे। तो इस तरह से हम इन्हें फ्राई करेंगे, 5 से 7 मिनट लग जाते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इनका कलर आया है और बहुत ही बढ़िया ये बनकर तैयार हुए हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। आपने देखा होगा हल्दीराम वगैरह के इस तरह के जो समोसे आते हैं खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आएगा और 8 से 10 दिन ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और झटपट से बन जाते हैं। तो इस तरह से आप कम सामान में ढेर सारे समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर तक भी ये बहुत बढ़िया हैं, एकदम परतों वाले बन के तैयार हुए हैं। और जो आप कलर देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया आया है, देखते ही खाने का मन करेगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो त्योहारों में आप इन्हें झटपट बना सकते हैं, बिना फेल रेसिपी है। और सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि पहले से आप इन्हें स्टोर करके रख लें और 7 से 8 दिन ये खराब नहीं होते। तो इसी तरह से आप बना लें, बढ़िया बनेंगी। और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।